तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? हो फुली सभी बंदे बढ़िया होंगे गाइस। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में। भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो गाइस आज जो वीडियो का लाइक एम होने वाला है वो होने वाला है 50 लाइक्स। गाइस चैनल पे नए हो तो जाके जल्दी से लाइक कर दो। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे लोकेश भाई हैं, उनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया और उनके पास में इतने सारे डायमंड्स कैसे आ गए कि मतलब वो एकदम डायमंड किंग हो चुके हैं। क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो जो AS गेमिंग है उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनसे ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, बट उनके पास इतना डायमंड्स नहीं है जितना हमारे लोकेश भाई के पास में है। तो गाइस इसी सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे हम लोग कि ये सब कैसे हो रहा है। तो गाइस सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे पहले बात करेंगे लोकेश भाई के डायमंड किंग वो कैसे हो गए। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ है वो है उनके पास में VIP बैच का होना। गाइस जो उनके पास VIP बैच है जिससे उन्हें पर वीक उनको 1,80,000 से 1,00,000 से 1.5 लाख डायमंड पर वीक और साथ में 200 कस्टम कार्ड्स उन्हें मिल जाते हैं गाइस, जिससे उनके पास मतलब 80,000 डायमंड्स हो जाते हैं और वो काफ़ी दूसरी ट्रिक्स से भी डायमंड्स अर्न कर लेते हैं। क्योंकि जितने बंदों ने उनकी स्ट्रीम देखी होगी उन लोगों को पता ही होगा गाइस कि जो लोकेश भाई हैं उन्होंने बताया था कि मैं 10,00,000 डायमंड दूसरी ट्रिक्स से लेने वाला हूँ। तो गाइस दूसरा रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न ये है कि गाइस उनको यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है क्योंकि वो डायमंड उड़ाते हैं और पब्लिक जाके देखती है तो उनका रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो गाइस तीसरे इन तीनों चीज़ों के कारण उनके पास आधा अधूर डायमंड है। बट गाइस सेकेंड रीज़न ये भी है कि सारे यूट्यूबर जो हैं इंडियन कम्युनिटी में वो गाइस डायमंड किंग बनने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे टोटल गेमिंग के अज्जू भाई हैं उनको गाइस उनके पास 27 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि लोकेश भाई के कम से कम 2.5 गुना। तो गाइस आप लोग सोच सकते हो कि अगर जो अज्जू भाई डायमंड किंग बनने पर आए तो मतलब लोकेश भाई से कम 2.5 गुना ज़्यादा डायमंड्स उनके पास में होंगे, आप लोग वैसे ही सोच सकते हो। और गाइस सेकेंड रीज़न जो मैंने अभी बताया कि AS गेमिंग के पास इतने सारे डायमंड्स क्यों नहीं है जितने लोकेश भाई के पास है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि AS भाई जब स्ट्रीम करते हैं उनको कस्टम खिलवाना होता है तो वो 100 डायमंड्स के कस्टम खरीदते हैं, मतलब उनके पास में VIP बैच नहीं है और वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं गेम में। क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने VIP बैच इसलिए नहीं लिया हुआ क्योंकि वो बाहर गेम भी खेलते हैं। अब गाइस जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है टोटल गेमिंग वर्सेस लोकेश गेमर, मतलब गाइस मेन रीजन ये है कि जो फ्री फायर के टॉप 2 बंदे हैं उनके बीच में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। तो उसका मेन रीज़न ये है गाइस कि देखो इनके बीच कंट्रोवर्सी का पहला जो कारण है वो है ज्ञान भाई। क्योंकि ज्ञान भाई बहुत सारे बंदों को पता होगा कि इससे पहले टोटल गेमिंग के साथ में खेलते थे, मतलब कि गाइस लेकिन उनका छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उस टाइम पे एक स्पैम चल रहा था अज्जू तेरा बाप। तो गाइस बहुत सारे बंदे ज्ञान भाई की स्ट्रीम पर जाकर ये कहते थे, स्पैम करते थे फुली की अज्जू तेरा बाप। तो मतलब ज्ञान भाई काफ़ी टाइम तक उन्होंने उसे इग्नोर किया, बट जब ये बहुत ज़्यादा होने लगा तो वो टोटल गेमिंग से अलग हो गए। तो गाइस मेन रीज़न ये था कि ज्ञान भाई बाद में जाके लोकेश भाई से जुड़ गए जिसके कारण टोटल गेमिंग और लोकेश गेमर के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। गाइस सेकेंड रीज़न जो ये है कि लोकेश भाई कभी भी गेम प्ले के दम पर वो वर्ल्ड टॉप 1 पे नहीं आए, और जितने बंदों को टोटल गेमिंग के बारे में पता होगा वो हर एक सीज़न में ग्रैंड मास्टर टच कर ही लेता है, बट जितने बंदे लोकेश भाई को जानते हैं वो आप लोग जाके चेक कर सकते हो उनकी आईडी में कभी भी आप गोल्ड या प्लैटिनम के ऊपर उनका रैंक नहीं देखोगे गाइस। क्योंकि वो गेम प्ले से नहीं, वो अपने डायमंड्स के दम पर ही सब्सक्राइबर अर्न करते हैं। तो मेन रीज़न ये हो गया क्योंकि टोटल गेमिंग अपने गेम प्ले के दम पर वर्ल्ड टॉप 1 पे है और वो सिर्फ बैजेस और डायमंड्स के दम पर वे वर्ल्ड टॉप 1 पे चल रहे हैं। तो गाइस मेन कंट्रोवर्सी टॉप 1 की वजह से ही चल रही है। फिर गाइस सेकेंड रीजन्स ये भी हैं कि एक बार बंदों को पता ही होगा कि बनी MP40 के लिए लोकेश भाई और अज्जू भाई से कुछ लड़ाई वड़ाई टाइप में हो गया था गेम प्ले के बीच में। गाइस इसका बाहर जाके स्पैम बिल्कुल भी मत करना,
बट गाइज उस टाइम पे अज्जू भाई और लोकेश भाई का बनी MP40 के कारण काफ़ी ज़्यादा पंगा हो गया था, क्योंकि अज्जू भाई ने 1.5-2 लाख डायमंड्स में बनी MP40 ओपन की थी और उन्होंने लोकेश भाई को चैलेंज दे दिया था कि तू भी बनी MP40 ओपन करके दिखा। तो गाइस ये सारे कुछ रीजंस रहे हैं जिसके कारण लोकेश भाई अब तक डायमंड्स किंग बने हुए हैं। जो सेकंड हमारा रिटेंशन जाता है लोकेश भाई की तरफ कि उनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे हो गया, तो गाइस मेन रीज़न उसका यह है कि लोकेश भाई काफ़ी जल्दी मतलब बिग यूट्यूबर्स से जुड़ गए, मतलब उन्होंने काफ़ी जल्दी बिग यूट्यूबर्स के साथ में जुड़कर उन्होंने अपना चैनल प्रमोट करवाया जिसके कारण उनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर अर्न हो गए। तो गाइज ये थी कुछ सारी चीज़ें लोकेश भाई के बारे में जिसके कारण उनका चैनल इतनी जल्दी ग्रो हो गया। तो गाइज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं, नेक्स्ट वीडियो गाइज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट।